दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं 20 बड़े ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन और उसके आंसर्स। ठीक है, एक नंबर में है, वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है? वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है? उत्तर है हमारा बादल। ठीक, अब है पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 195 देश है, हम लोग कह सकते हैं लगभग 200 देश है। इसमें आपको इंटरेस्टिंग और ज्ञान वाले दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे। किस देश में इंटरनेट चलाना गैरकानूनी माना जाता है? बर्मा एक ऐसा देश है जिसमें इंटरनेट चलाने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका वजन 1 रुपये के सिक्के से भी कम होता है? जो हमारा सबसे छोटा पक्षी होता है वो होता है हमिंग बर्ड, और उसी का वजन सबसे कम होता है। चांद तक पहुँचने में कितने दिन का समय लगता है? हमारे चांद तक पहुंचने में हमें 3 दिन का समय लगता है। ऑनलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक, ऑनलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी सक्रिय, ऑनलाइन का हिंदी नाम अभी सक्रिय। महाभारत में कुंती पुत्र भीम के पास कितनी हज़ार हाथियों का बल था? महाभारत में भीम जो थे बहुत ही गदाधारी थे, बहुत ही खतरनाक थे, तो उनके पास 10,000 हाथियों का बल था। कुल मिलाकर 10,000 हाथियों का बल था। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? WG ग्रेस को, जो कि हमारे इंग्लैंड के हैं। WG ग्रेस कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया था? कल्पना चावला जिसका अंतरिक्ष दुर्घटना में मृत्यु हो चुका था, ठीक, तो वह कितना दिन तक अंतरिक्ष में रही थी? 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट, लगभग 32 दिन से थोड़ा सा कम, यानी कि 31 दिनों तक रही थी। भारत के किस शहर को प्यार का शहर कहा जाता है? भारत का लव सिटी या प्यार का शहर कह सकते हैं हम लोग, आगरा शहर को कहा जाता है, जहां पर ताजमहल है, इसी कारण उसे लव सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कुछ भी बोलने से टूट जाती है? खामोशी, खामोशी या बोल सकते हैं चुप्पी, ठीक, या क्या होता है, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो वह टूट जाता है। 12वां क्वेश्चन है, वह क्या है जो नीम और करेले से भी कड़वा होता है? ओहो, सच, नीम और करेले से भी कड़वा होता है, सही बात है या नहीं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। रावण के भाई कुंभकर्ण की हाइट कितनी थी? लगभग 600 धनुष, यानी एक धनुष बराबर 1 मीटर के बराबर, 600 धनुष यानी 600 मीटर के बराबर थी। ठीक, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी थी? शेषनाग, इसका लंबाई था 2.8 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर, शेषनाग जिसकी लंबाई कितनी थी? 2.8 किलोमीटर। 15 क्वेश्चन है, रावण वध के समय भगवान राम की उम्र कितनी थी? 51 ईयर्स, हमें लगता होगा 20 या 22 साल के युवा है, लेकिन उसका उम्र कितना था? 51 ईयर, यानी 51 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, एक लड़का और एक डॉक्टर शॉपिंग कर रहे थे। लड़का डॉक्टर का बेटा था, लेकिन डॉक्टर लड़के का पता नहीं था, बताओ यह कैसे संभव है? ठीक, उत्तर है क्योंकि वह डॉक्टर उस लड़के की माँ थी। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको हंसी भी आई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहाँ के निवासी बर्फ के घरों में रहते हैं? उत्तरी ध्रुव के, उत्तरी ध्रुव के निवासी बर्फ के घरों में रहते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल बर्फीली ज़मीन है, इसलिए वहाँ के लोग बर्फ के ही घरों में रहते हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक परिश्रम करना, जैसे किसी का एग्जाम नज़दीक होता है तो वह पूरा आकाश पाताल एक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19, छोटा भारत किस देश को कहा जाता है? फिजी देश को, फिजी देश को छोटा भारत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप बिना छुए भी तोड़ सकते हैं? वादा या कसम, कसम हो या वादा, क्या होता है इसे हम लोग बिना छुए ही तोड़ सकते हैं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।